और गाइस एक और बात, आप जो स्क्रीन पे नंबर आपको नजर आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, आप इस पे अपनी फोटो बेस्ट फोटो क्लिक सेंड यू बेस्ट क्लिक्स आप सेंड करें, उनको मैं एडिट करूंगा और उनके लिए भी व्लॉग पे एक प्यारा सा व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले मैंने जो वीडियो दी हुआ वीडियो देख सकते हैं कि वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो मैंने एडिट की थी जिसमें मैंने डार्क टोन के बारे में बताया था कि डार्क टोन में वीडियो में कैसे डाल सकते हैं। और आज मैं वीडियो आप आगे लेके आया हूँ कि वीडियो में ऐसे ऑरेंज या पेल कलर की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं और फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी जो फ़ोटो है वो लाइट रूम ऐप में इंस्टॉल हो मतलब इंपोर्ट हो चुकी है। तो हम सिंपली इस पे वन क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमें हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो ये जो फ़ोटो है ये बहुत ज़्यादा रॉ है क्योंकि हमने ये दिन में क्लिक की थी तो उस टाइम लाइट बहुत ज़्यादा थी। तो फ़ोन ने जो फ़ोटो क्लिक की है अभी फ़ोन से, तो हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे लाइट जो है इसको करेक्शन करते हैं। जो हम सिंपली लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसका एक्सपोजर बिल्कुल ना होने के बराबर बढ़ा देते हैं, मतलब सिर्फ इतना बस। और जो कंट्रास्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाइलाइट्स को कम, शेडोज़ को भी कम, और जो वाइट्स हैं इनको भी कम, और जो ब्लैक्स हैं इनको भी थोड़ा सा कम। सो गाइज ये थी हमारी जो सिंपल कलर लाइट करेक्शन थी। ये सब करने के बाद आपको सिंपली जाना है कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद टेम्परेचर आपको थोड़ा सा अपनी फोटो के हिसाब से बढ़ा देना है और वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि देख सकते हैं कि हमारे कलर जो है वापस आ रहे हैं। तो ये वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ाने के बाद आपको सिंपली कर देना है डन। कलर वाले ऑप्शन में, कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरी शर्ट है उसका कलर भी रेड है। तो मैं सिंपली इसके थोड़े से लुमिनस को बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद जो हमारा ऑरेंज कलर है ये हमारी स्किन पर पड़ा है देख सकते हैं, तो हमारी स्किन पर इसका इफेक्ट है। तो हम सिंपली इसको थोड़ी सी ना लुमिनस को बढ़ा देते ताकि हमारे जो चेहरे पर ना एक परफेक्ट सी लाइट आ जाए। सो वैसे लुमिनस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे थोड़ी सी लाइट आ जाए। तो ये सब कलर करेक्शन करने के बाद आपको सिंपली जाना है ग्रीन वाले कलर में और इसका जो ह्यू है आपको बिल्कुल -100 कर देना है। 100 करने के बाद आपको सिंपली साथ बने हुए येलो कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और इसका जो ह्यू है ये भी 100 कर देना है माइनस। तो ये देख सकते हैं कि हमारे जो फोटो है इसमें ऑरेंज कलर की टोन आ चुकी है। तो ये बिफोर और ये आफ्टर। सो गाइज हमारे जो इतने कलर -100 हो सकते थे, तो हम सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं गैलरी में और एक्सपोर्ट करने के बाद हम सिंपली इसको दोबारा से इंपोर्ट करेंगे लाइट रूम ऐप में। सो गाइज सिंपली हमने जो फोटो है उसको दोबारा से हमने इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट करने के बाद हमने लाइट करेक्शन ही करनी है इस बार। इस पर सिंपली आपको जाना है कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली जाना है येलो कलर में और इसका जो ह्यू है बिल्कुल 0 का -100 कर देना है और जो ग्रीन कलर का है इसका भी -100 कर देना है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी जो फोटो है इसमें बिल्कुल ऑरेंज कलर टोन आ चुकी है बिफोर और आफ्टर, भी बहुत अच्छी टोन लग रही है। हम सिंपली आपको नीचे जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसका टेक्स्चर है थोड़ा सा आई कार जिसमें क्लैरिटी थोड़ी सी नजर आ जाए, और क्लैरिटी भी थोड़ी सी आई कार देनी है सही है। और उसके बाद विंटेज थोड़ी सी कम कर देनी है और राउंडनेस को भी थोड़ा सा कम, हाईलाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा। और सो गाइज ये सब करेक्शन करने के बाद आपको सिंपल नीचे जाना है डिटेल वाले ऑप्शन में। डिटेल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको उसकी शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है और जो मास्किंग है उसको नहीं छेड़ना, उसके बाद नॉइस रिलेशन है उसको थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है, तो कलर नॉइस रिलेशन को भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है और स्मूथनेस को थोड़ा सा ज़्यादा करके। सो गाइज हमारी जो फाइनल फोटो है वो एडिट हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं ये बिफोर और आफ्टर और ये बहुत अच्छी एडिट हो चुकी है, बिल्कुल ऑरेंज कलर की टोन इसमें आ चुकी है। ये जो फोटो जो हमें एडिट की फोटो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी एडिट हो चुकी है। ये बिफोर और आफ्टर बहुत अच्छी एडिट हो चुकी है। तो हम सिंपली इसको कर लेते हैं सेव। सो गाइज ये थी फोटो जो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी एडिट कर दिया और ये बिल्कुल सिंपल है, कोई भी एडिट कर सकता है। तो अभी मुझे कमेंट, मुझे उम्मीद है कि मुझे व्हाट्सएप पे आना कमेंट्स बंद हो जाएंगे कि हमें फोटो एडिट करके दें। और गाइज एक और बात, आप जो स्क्रीन पे नंबर आपको नजर आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, आप इस पर अपनी फोटो बेस्ट फोटो क्लिक सेंड यू बेस्ट क्लिक्स आप सेंड करें, उनको मैं एडिट करूँगा और उनके लिए भी व्लॉग पे एक प्यारा सा व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। सो फोटो आपको उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो चैनल पर न्यू आए हैं उनसे उम्मीद है यार क्या देख रहे हो वीडियो सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।